स्वागत है आपके हमारे चैनल लब्रिंग्स क्लासेस पर। आज का टॉपिक है हमारा डिकोडर। क्या होता है डिकोडर? ये डिकोडर इज ए लॉजिक सर्किट। डिकोडर आपके एक लॉजिक सर्किट होता है टेट एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है ये सेट ऑफ इनपुट्स, यानी कि इसमें कुछ सेट ऑफ इनपुट्स यानी कि इनपुट्स होंगे डेट रिप्रेजेंट ए बाइनरी नंबर, और वो किसी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि डिकोडर आपके एक लॉजिक सर्किट है जो ये सेट ऑफ इनपुट को एक्सेप्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है एक बाइनरी नंबर को एंड एक्टिवेट डेट आउटपुट, और जो आउटपुट होगा वो एक्टिवेट्स करेगा यानी कि प्रोड्यूस करेगा वेज करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट बाइनरी नंबर, यानी कि जो इनपुट बाइनरी नंबर है उसी के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। ये डिकोडर हैज एन इनपुट लाइंस, यानी कि जो डिकोडर होगा उसमें एन इनपुट लाइंस होंगी एंड, और एक आपकी इनेबल लाइन होगी। जो सर्किट को अगर इनेबल होगी तो काम करेगा, और उसे डिसेबल कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। एंड टू की पावर एन आउटपुट लाइंस, यानी कि अगर टू इनपुट होंगे तो टू की पावर टू कितना होगा, फोर आउटपुट होंगे आपके। ठीक है, और इसका बेसिकली जो यूज करते हैं हम, जो हमारी फाइल्स होती हैं, जो इनकोडेड फाइल्स होती हैं, उसे डिकोड करने के लिए हम डिकोडर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे टू इंटू फोर का डिकोडर होगा, थ्री इंटू एट का होगा, फोर इंटू सिक्सटीन का होगा। ठीक है, ब्लॉक डाइग्राम की बात करते हैं हम टू इंटू फोर के, तो इसमें एक इनेबल लाइन ले ली हमने, और जब टू इंटू फोर यानी कि जो दो होंगी टू होंगी इनपुट लाइन्स होंगी जिन्हें हमने ले लिया आई ज़ीरो और आई वन, और फोर क्या होंगे आपके आउटपुट लाइन्स होंगी जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ज़ीरो ओ वन ओ टू और ओ थ्री से। ठीक है, इसकी हमने एक टेबल ले ली है जिसमें हमने इनपुट लिए हैं आई ज़ीरो आई वन। ठीक है, तो इसमें जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, आउटपुट है आपके ओ ज़ीरो ओ वन ओ टू ओ थ्री। अब मैंने कहा कि करस्पॉन्डिंग जो इनपुट बाइनरी नंबर है, तो पहला क्या है आपका ज़ीरो ज़ीरो है तो ओ ज़ीरो मिल जाएगा आपको, दूसरा ज़ीरो वन है यानी कि ओ वन मिल जाएगा, तीसरा वन ज़ीरो यानी कि टू वैल्यू होती है तो ओ टू मिल जाएगा, और थर्ड क्या है वन वन यानी कि आपको ओ थ्री मिल जाएगा। तो इसमें जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एज ए डायगोनली मिल रहा है। ठीक है, जो भी आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, डायगोनली है। तो इसलिए इसको याद करना बहुत ही आसान है आपको। ठीक है, इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी आउटपुट से हम क्या लेंगे, हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, दो इनपुट हैं आपके आई ज़ीरो आई वन, ओ ज़ीरो कब मिल रहा है, कब वन है, जब दोनों क्या है ज़ीरो ज़ीरो हैं। ठीक है, और जब ज़ीरो है तो इसमें हमने क्या लिया, आई ज़ीरो लिया, और उससे एक नॉट गेट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा उसका। तो हमने एक नॉट गेट ले लिया, उससे कनेक्ट कर लिया। सेम हम किस में करेंगे, आई वन में लेंगे, तो आई वन में हमने ले लिया और इसे नॉट गेट से कनेक्ट किया। अब देखो, जैसे ओ ज़ीरो पे वन मिल रहा है आपको, यानी कि जो आई ज़ीरो है वो भी ज़ीरो है, आई वन है वो भी ज़ीरो है। ठीक है, तो ओ ज़ीरो कब मिलेगा आपको, जब दोनों ज़ीरो ज़ीरो होंगे। ज़ीरो ज़ीरो का मतलब है हम इसका एंड गेट जो लेंगे उसे किससे, आई ज़ीरो का जो नॉट गेट से है। ठीक है, कनेक्ट कर दिए, यहाँ से हमें आई डैश मिल जाएगा और यहाँ से हमें आई वन डैश मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, आई ज़ीरो डैश और आई वन डैश। अब ठीक है, ओ वन आपको कब मिल रहा है, जब आपका आई ज़ीरो तो डैश है और आई वन वन है, यानी कि आई ज़ीरो ज़ीरो है, आई वन क्या है आपका वन है। अगेन हमने एक एंड गेट लिया, तो आई ज़ीरो ज़ीरो है तो हमने नॉट गेट वाला कनेक्ट किया, और आई वन क्या है वन है। ठीक है, तो इसे हमने कहाँ से कर दिया, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉट गेट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ से मिल गया आपको आई ज़ीरो डैश आई वन। ओ टू आपको कब मिल रहा है, जब आपका आई ज़ीरो तो वन है और आई वन क्या है ज़ीरो है। अगेन हमने एक एंड गेट लिया, तो ओ ज़ीरो सॉरी ओ टू निकालने के लिए तो आई ज़ीरो विदाउट नॉट गेट कनेक्ट किया और इससे आई वन यानी कि जो नॉट गेट वाली लाइन है उससे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से मिल गया आपको आई ज़ीरो
I1 dash, O3 यानी कि थर्ड आउटपुट आपको कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब दोनों वन वन है, ठीक है। तो अगेन हमने एक एंड गेट लिया, और हमने जो नॉट गेट से नहीं, जो डायरेक्ट लाइन है हमारी विदाउट नॉट गेट वाली, उससे हमने कनेक्ट कर दी। तो यहाँ से O3 इक्वल टू क्या मिल गया, I0 I1। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।